जापानीज़ लैंग्वेज ग्रामर। जी हाँ, हमने पहले भी कई बार इन कंटेंट्स को वीडियोस में कवर किया है, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये है पार्ट टू। जापानीज़ लैंग्वेज में किस तरह से बेसिक और एडवांस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बेसिक को सीखने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है और एडवांस को सीखने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये मैंने काफ़ी कोशिश करी है बताने की। तो आज इस वीडियो के थ्रू जापानीज़ लैंग्वेज में ग्रामर बेसिक में किस तरह से आती है, किस तरह से उसके क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से उसको याद किया जाता है, और एडवांस में किस तरह से वो चेंज हो जाता है, एडवांस में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से ग्रामर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी तरह से कवर करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बिल्कुल अभी जापानीज़ लैंग्वेज स्टार्ट करी है उन लोगों के लिए भी ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है, और जिन लोगों ने एडवांस तक की लैंग्वेज को सीख लिया है, जैसे N3 N2 तक जापानीज़ लैंग्वेज को सीख लिया है, वो भी किस तरह से सक्सेसफुली एक ही बार में N3 को N2 को पार कर सकते हैं, ग्रामर के पोर्शन को बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊँगा, उसके बाद ये हम देखेंगे कि इसको याद करने का क्या तरीका है। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं बेसिक के ग्रामर पैटर्न से। जैसे कि पहला पैटर्न हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मास हटा के काता लगाना, ये आपने सीखा ही होगा जो लोग बेसिक जापनीज सीख रहे हैं। बहुत इजी सा पैटर्न होता है, इसको पढ़ने का स्टाइल होता है कि आपने एक बारी सीख लिया कि आपको मास हटा के काता लगाना, और इसका मतलब बन जाता है वे टू डू। तो अब बात आती है कि खाली इतना सा सीख के नहीं, हमें कम से कम 3 या 4 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स को बार 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 बोलना, इंग्लिश मीनिंग ना देख के जैपनीज में ही उसको बार बार बोलना। जैसे कि यहाँ पर भी आप इसी प्रैक्टिस को एक बार कर सकते हैं, जैसे कि सुमिमा सेंगा कांजीनो काकी काताओ ओशियते कुदासाई, तो इसको आप 4 बार बोलिए। एक बार ही अगर आपको समझ आ गया तो 4 बार 5 बार इन्हीं सब एग्जांपल्स को बोलिए। तो ये इसका मीनिंग तो आसान है, आपको समझ आ गया होगा कि काकी काता, काकी मास मतलब लिखना, और मास हटा के काता लगा दिया तो काकी काता यानी कि लिखने का तरीका। तो कांजी के लिखने का तरीके को बताइए या फिर मुझे सिखाइए। सेकेंड भी बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, कुसुरीनो नोमी काता, तो नोमी मास होता है दवाई लेना, और नोमी काता हो गया दवाई लेने का तरीका, यानी कि पहले कौन सी दवाई लेनी है या कितने गैप के बाद लेनी है। नोमी काता हो ओशियते कुदासाई, यानी कि मुझे दवाई खाने का तरीका बताइए। थर्ड सेंटेंस भी ऐसा ही है, कांजीनो योमी काता, यानी कि कांजीनो मतलब कांजी की रीडिंग, योमी मास मतलब रीड करना, और योमी काता रीड करने का तरीका, इस कांजी को किस तरह से रीड करेंगे। तो पहले हम ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। एक और हमारे पास पैटर्न है मायनी। मायनी दो तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो प्लेन फॉर्म के पहले, सॉरी प्लेन फॉर्म के बाद मायनी लगता है, इसका मतलब होता है बिफोर, और नाउन के बाद नो मायनी, जैसे कोई चीज़ है तो उसके बाद नो मायनी लगाएंगे, यानी कि उससे पहले, जैसे शोकुजी नो मायनी, तो खाने से पहले, और अगर वर्ब है जैसे इकी मास, तो इको मायनी, तो उसकी प्लेन फॉर्म के बाद मायनी लगाएंगे, इसका मतलब होता है बिफोर। तो एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं, आसागोहान नो मायनी, तो आसागोहान एक वर्ब है, सॉरी नाउन है, यानी कि एक चीज़ है, एक नाम है, तो उसके पहले मतलब उसके बाद हमने नो मायनी लगाया है, यानी कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले, शिम्बुन ओ योमिमास, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, रियोको नी इको मायनी, तो इकी मास एक वर्ब है, इसकी प्लेन फॉर्म के आगे हमने, यानी इको के आगे हमने मायनी लगाया हुआ है, इसका मतलब हो गया जाने से पहले, तो ट्रैवल पर जाने से पहले निमोत्सु ओ चेकुशिमास, यानी कि मैं अपने सामान को, अपने लगेज को चेक करता हूँ। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना होता है। देखिए JLPT के पैटर्न्स में पैटर्न में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पहले तो ब्लैंक भरना होगा, तोमोदाची नो उचिए डैश मायनी देवाओ काके माश्ता, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि प्लेन फॉर्म हमें ढूंढनी है, इकी मास इकु इत्ते, तो इनमें से प्लेन फॉर्म कौन सी होती है ये हमें पहले से ही पता है, ये होती है इकु, तो इकु मायनी देवाओ काके माश्ता, यानी कि मैंने दोस्त के घर जाने से पहले फ़ोन किया। अब एक जो नया पैटर्न होता है, नया पैटर्न जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है 3-4 साल पहले से ही, वो है जंबल वर्ड्स का। जंबल किया जाता है सेंटेंस को, और उसमें से एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वर्ड जो कि उसका आंसर होता है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड ब्लैंक पर स्टार लगा हुआ है तो आंसर होगा सेकंड, लेकिन वो सेकंड कैसे पता चलेगा, आपको जंबल सेंटेंस को अरेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए एक स्पेशल, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बेसिक के हों चाहे एडवांस के हों, एक फार्मूला सिखाता हूँ कि पहले अचानक उसको असेंबल मत करिए, झटपट उसको जल्दी मत करिए असेंबल करने की, पहले सारे वर्ड्स को बिना असेंबल करें, वैसे ही उनका मीनिंग अपने आप सोचिए दिमाग में, आपको आधा सेंटेंस या पूरा ही सेंटेंस मोस्ट ऑफ द केसेस
पता चल जाएगा कि उसका क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बिना असेंबल किए देख लेते हैं, शकुजी मतलब खाना, आराइमास मतलब धोना, मायनी मतलब पहले, नो मायनी आएगा क्योंकि वो नाउन के साथ अटैच है और ते का मतलब होता है हाथ, तो ते ओ से हमें पता चल गया कि हाथों को आराइमास आएगा, हाथों को धोना। और इतना ही समझ के हमें सारा सेंटेंस पता चल गया कि शोकुजी नो मायनी, यानी कि खाना खाने से पहले ते ओ आराइमास, मैं हाथ धोता हूँ। तो अब हमें समझ आ गया कि शोकुजी नो मायनी, यानी कि पहले आएगा थ्री, फिर आएगा टू, तो हमारा आंसर है टू, और उसके बाद आएगा ते ओ आराइमास, यानी कि फोर वन। तो इसका सीक्वेंस बनेगा 3 2 4 1 और हमारा आंसर होगा टू। तो ये बेसिकली स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हम एडवांस की पढ़ाई करते हैं। तो एक बार एडवांस के कुछ ग्रामर पैटर्न्स को देखते हैं, जैसे वाके, ये N3 में भी आता है, N2 में भी आता है, स्टूडेंट्स को ये काफ़ी समझ नहीं आ पाता है इसका। वो पहले इंग्लिश मीनिंग देखते हैं कि भाई रीज़न होता है वाके, तो रीज़न तो यहाँ पर फिट नहीं आ रहा, तो वाके दिस या फिर वाके का नाई या वाके देवा नाई, इस तरह से हमें अलग अलग तीनों चीज़ों को अलग करके बिना इंग्लिश के हमें उसको सीखना चाहिए। अगर इंग्लिश मीनिंग लगा देंगे रीज़न, वाके का मतलब होता है रीज़न, तो वो कहीं पर भी फिट नहीं आएगा, हल्का हल्का फिट आएगा लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको अलग से याद करना पड़ेगा। जैसे कि वाके देस का मतलब होता है इट्स ऑब्वियस, ये लाजमी है। वाके देवाना ही का मतलब होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वाके गाना ही का मतलब होता है इट्स इम्पॉसिबल। तो इस तरह से हमें वाके को एडवांस में जो ग्रामर पैटर्न्स होते हैं उनको हिंदी में अलग सेंटेंस में फिट करके उसका मीनिंग सीखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। चलिए इसको एग्जांपल से सीखते हैं। यमादा कुनगा कानाजोनी फुरारेता, फुरारेता का मतलब होता है डंप्ड हो जाना, यानी कि छोड़ दिया जाना। तो कानाजो नी फुरारेता, फुरु होता है डंप करना और फुरारेरू होता है डंप हो जाना, तो नी फुरारेरू मतलब उसके द्वारा डंप किया गया, यानी यमादा कुन जो है वो कानाजो अपनी गर्लफ्रेंड के द्वारा डंप कर दिया गया या छोड़ दिया गया, ब्रेकअप कर दिया गया। नारुहोदो सोरे दे गेंकी का नाई वाकेदा, तो नारुहोदो का मतलब होता है ओ यस, ओ आई सी, हाँ बात तो सही है। सोरे दे, सोरे दे का मतलब होता है दैट्स वाई। गेंकी का नाई मतलब ही इज नॉट हेल्दी, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट एनर्जेटिक। वाकेदा, अब वाकेदा एंड में इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये तो लाजमी है, ऐसा तो होना ही था, इट्स ऑब्वियस। तो ये होता है वाकेदेस या फिर वाकेदा का मतलब। अब एक और चीज़ सीखते हैं, वाके गानाई, वाके गानाई, अब जैसे वाके देस है उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया वाके गानाई, इट्स इम्पॉसिबल। चीसाई को तुमोगा कोनो कोन्ना ओमोई निमोत्सुओ मोची आगे रारेरू वाके गानाई, छोटा बच्चा इतना भारी सामान उठा ले, मोची आगेरू का मतलब होता है उठा लेना, ज़मीन से लिफ्ट करना, और मोची आगे रारेरू का मतलब होता है उठा सकना। तो और कोन्ना का मतलब हो गया कोनो यो ना, यानी कि इतना ज़्यादा भारी सामान मोची आगे रारेरू उठा सके वाके गानाई, इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो ये छोटा सा एग्जांपल है आपको ये सिखाने का कि ग्रामर को फटाफट से कैसे सीखा जाता है, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा के फटाफट से सीख के उस पर उसके एग्जांपल, सॉरी उसके क्वेश्चन से, हाँ मतलब पहले एग्जांपल से उसके बाद उसके क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तोमोदाची का उची नी तुम्हारी नी किता थोकी, यानी जब मेरा दोस्त मेरे घर ठहरने आया, बेदो डैश सोफा नी नेते मुराता। तो जब देखिए नेते मुराता, पहले हम समझ लेते हैं कि ते मुराइमास होता है कि अलाउ मी, यानी कि मुझे ऐसा करने दिया गया, यानी कि मैंने ऐसा किया, सिंपल ये मैंने ही करा है। तो सोफा, सोफे के ऊपर मैं सोया हूँ बेड की बजाय। तो यहाँ पर हमें पहली बात हम अलग अलग पैटर्न्स को देख लें। नो सेदे का मतलब होता है कि वजह से कुछ खराब हो गया है, तो वो बेड की वजह से सोफे पे नहीं सोया, दोस्त की वजह से सोफे पे सोया, इसलिए नो सेदे गलत हो गया। नो वारी नी का मतलब होता है कि हिसाब से आगे उल्टा आएगा, यानी कि जितना ये छोटा बच्चा है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो नो वारी नी आएगा। अब दो पैटर्न बचे, नी कवाते और नो कवारी नी, बड़े सिमिलर हैं, दोनों का ही मतलब है के बदले की बजाय, तो इन दोनों में से कोई फिट आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर नो कवारी नी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी उसकी बजाय ये। नी कवाते होता है यूजुअली उन सेंटेंसेस में जैसे कि शाचो की बजाय मैं आ गया, शाचो बिजी थे तो मैं आ गया मीटिंग करने, तो नी कवाते तब होता है। नो कवारी नहीं आएगा, बेड दोनों कवारी नहीं, सोफा नहीं नेते मुराता, यानी कि बेड ही बजाय मैं, मुझे सोफे पर सोना पड़ा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कुरुमा नी नो सेते इतदाइता, यानी कि मुझे कार में लिफ्ट मिली। नोरू होता है बोर्ड करना, चढ़ना, यानी कार में चढ़ना, और नो सेते यानी कि किसी और ने मुझे बोर्ड करने दिया है। नो सेते इतदाइता, ते इतदाइता का मतलब होता है कि ही हैज़ अलाउड मी, या फिर उन्होंने मुझ पर यह एहसान करा। तो कुरुमा नी नो सेते इतदाइता मतलब उन्होंने मुझे कार में लिफ्ट दी, डैश देनशानी मानी आई माश्ता, और मैं ट्रेन में चढ़ पाया, यानी कि मैं ट्रेन में ऑन टाइम पहुंचा। तो इससे हमें समझ आ गया कि
इसकी वजह से, यानी कुछ अच्छा काम हो, जैसे भी अब ऊपर हमने एक पैटर्न सीखा था नो से दे, इसकी वजह से कुछ खराब हो गया है, तो यहाँ पर आएगा ओकागे दे, इसका भी मतलब वही होता है कि वजह से, लेकिन इसमें कुछ अच्छा हुआ होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओकागे दे का मतलब होता है कि कुछ अच्छा हुआ होता है, नो से दे का मतलब होता है कि कुछ खराब हुआ होता है, मीनिंग दोनों का सेम है कि वजह से। और बाकी क्यों गलत है देख लेते हैं, वारी नहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसके हिसाब से उल्टा है, सीधे नहीं होता है लगे हाथ, तो इसमें लगे हाथ का तो कोई सेंस नहीं आ रहा कि मुझे कार में लिफ्ट मिली लगे हाथ में टाइम पे पहुंच गया। कवारी नहीं किया भी फिट नहीं आ रहा क्योंकि मुझे कार में लिफ्ट मिली इसके बदले में टाइम पे अच्छे सही टाइम पे पहुंच गया, इसका आंसर है ओकागे दे। चलिए अब हम एडवांस के जंबल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। ओशियते डैश 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 नानो नी, तो मैंने आपको पहले भी जैसे सिखाया है कि पहले आपको अचानक इसको फटाफट से जंबल करना शुरू नहीं कर देना है, आपको पहले ये देखना है कि इसके वर्ड्स का मीनिंग क्या बन रहा है, क्या उसी से ही मुझे सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो हम इसको बिना असेंबल करे देखते हैं, ओशियते हज तोरीनी चुकुत्ता मुराद, तो इसमें और भी एक दो पैटर्न थे इनको भी देख लेते हैं। हज का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए, सपोज टू बी, तोरीनी का मतलब होता है एज इट इज, जैसे कि कहा गया था बिल्कुल वैसे करा है, या फिर जैसे कि लिखा हुआ था मैंने बिल्कुल वैसे करा है, चुकुत्ता मतलब बनाना, और मुरादता, और मुरादता जो है वो ते फॉर्म के साथ आता है, तो ये तो एटलीस्ट हमें पता चल गया कि चार सबसे पहले आएगा ओशियते मुरादता। और इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि तोरीनी, क्योंकि जैसा कहा गया है वैसा ही करना, जैसा लिखा गया है वैसा ही करना, तो ओशेते मुरत्ता तोरी नहीं, जैसा मुझे सिखाया गया वैसा ही। अब इसके बाद अपने आप सेंटेंस बनता जा रहा है, स्कुत्ता आएगा क्यों, क्योंकि ओशेते मुरत्ता तोरी नहीं स्कुत्ता, जैसा मुझे सिखाया गया था बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाया है। और जो बचा है हाज, वो भी बिल्कुल फिट आ रहा है क्योंकि ऐसा होना चाहिए था, यानी कि जैसा मैंने बनाया बिल्कुल वैसा ही मैंने ही, सॉरी मुझे जैसा सिखाया गया बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया है। हज हज मतलब कि सपोज टू, यानी कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वैसे ही है। अब आगे नानो नहीं आया है, हज ऐसी जगहों पर ही आता है कि होना तो ऐसे ही चाहिए था लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। नानो नहीं उमा को देखी ना करता, फिर भी मैं ठीक से नहीं बना पाया, जैसा कि मुझे टीवी में या फिर इंटरनेट पर या फिर टीचर ने मुझे सिखाया था बताया था वैसा ही मैंने बनाया, फिर भी वो ठीक से नहीं बन पाया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, यासूरी सेल सेर दे, यासूरी का मतलब होता है सेल मतलब सस्ता, तो एक सेल लगी हुई थी कह सकते हैं डिस्काउंटेड सेल या फिर चीप सेलिंग हो रही है, सेल दे काओ तो, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि एक सेल थी और वहाँ पर मैंने खरीदने की कोशिश करी, ओ तो लग गया है, तो इसका मतलब होता है जैसे यारो तो, ताबेओ तो, इको तो, खंगायो तो, इसका मतलब होता है कोशिश करना, तो काओ तो यानी कि मैं खरीदने ही वाला था या फिर मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था, और एंड में लिखा है शिमाई माश्ता यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई, यानी कि मैं नहीं खरीद पाया। तो अब इसको बिना असेंबल करे एक बारी फिर से देखते हैं, शात्सुओ कावारेते ओमोत्तेता होकानो हितोनी, तो हल्का हल्का हमें समझ आ रहा है, कावारेते का मतलब होता है किसी और के द्वारा खरीद लिया जाना, और एंड में लिखा भी हुआ है होकानो हितोनी, यानी कि होकानो हितोनी कावारेते, ये दोनों तो साथ साथ आएंगे। और अब बचा शात्स ओमोत्तेता, तो यानी कि खाओ तो ओमोत्तेता शात्स, जिसको खरीदने का सोच रहा था, जैसे मैंने बताया कि इसमें करने की कोशिश होती है, तो काओ तो ओमोइमास, काओ तो शिमास, इस तरह से तो के बाद शिमास या ओमोइमास आएगा, तो काओ तो ओमोत्तेता शात्स, यहां तक हमें समझ आ गया कि जिसको खरीदने की सोच रहा था वो वाली शर्ट, तो थ्री और वन, और उसके बाद हमारे आंसर आ जाएंगे होका नो हितोनी कावारेते शिमाइमास्ता, वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा खरीद लिया गया, तो इसका आंसर है फोर, क्योंकि आएगा फोर होकानो हितोनी और फिर आएगा टू कावारेते, उसके बाद है शिमाई माश्ता। तो ये था एडवांस को थोड़ा सा डिटेल में सीखने का तरीका, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि स्टाइल डिफरेंट किस तरह से है, कि आपको एडवांस में उसका इंग्लिश मीनिंग ठीक है, एक बार अच्छी बात है आपने सीख लिया, लेकिन उसको इंग्लिश मीनिंग पर चिपकना नहीं है, हमें उसको हिंदी में उस सेंटेंस में फिट करके सीखना है। और बेसिक में जो सीखने का तरीका है वो ज़्यादातर इंग्लिश वाला जो पॉइंट है वो चल जाता है उसमें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा पहले से ही, जैसे मास और काता का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो आप सेंटेंस के तौर पे लगा के रखेंगे, सेंटेंस के तौर पे याद करने का स्टाइल रखेंगे, तो आपको हर लेवल को 6 महीने में पार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुम्पो जो है, ग्रामर जो है, किसी भी लेवल की हो, 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर ही आप कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास हर पैटर्न के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स की हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न सिर्फ एक ही फ्लेवर देगा, एक ही तरह का मीनिंग देगा, हर चारों, मान लीजिए 5 एग्जांपल है तो पांचों में एक ही तरह का, वो जैसे से दे ओकागे दे, वो एक ही तरह का मीनिंग आपको देगा, बस उसी मीनिंग को आपको टारगेट करना है। 4 या 5 एग्जांपल्स को आपने जैपनीज में बोल बोल के 3-4 रीड करा है, बोला है, तो वो पैटर्न हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ऑल द बेस्ट।
सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, लेकिन अपनी मेथडोलॉजी को, अपने स्टाइल को, अपने पढ़ने के तरीके को इसी तरह से फॉलो करने की कोशिश करिए। ग्रामर अगर आपने ये सोचा कि बहुत वास्ट होती है, अभी N5 N4 में ही इतनी वास्ट है, तो आगे जाके N3 N2 N1 में मेरा क्या हाल होगा, और आप जैपनीज छोड़ दें, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करके आप बस इसी तरीके से लगे रहिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, तो हर लेवल को 6 महीने में पार करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैंने काफ़ी बार ये बोला है, आप अगर इस तरह से चलते रहेंगे तो आप भी ये अपने ऊपर प्रूव करके देख सकते हैं कि सच में एक एक लेवल को इस तरीके से अगर पढ़ाई करी जाए तो पार करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।